ग्वालियर अंचल के जंगलों में एक बार फिर डकैत गिरोह की हलचल सामने आई है। ग्वालियर, मुरैना और धौलपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके 50,000 के इनामी डकैत राम सहाय गुर्जर की अब घाटी गांव क्षेत्र के भवरपुरा और उससे सटे जंगल में मूवमेंट सामने आई है। डकैत गुड्डा गुर्जर के सरेंडर के बाद से अंचल में डकैतों का डर खत्म हो गया था। अब राम सहाय गुर्जर की गैंग के आने की खबर ने एक बार फिर गाँव वालों और पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस टीम ने जंगल में सर्चिंग भी शुरू कर दी है ताकि जल्द से जल्द डकैत का आतंक खत्म किया जा सके। ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। चोर बदमाशों की जाना परेशानी है साहब, वहाँ रात में आते हैं, मुंह बांध कर आते हैं, मतलब उनको पहचान नहीं पाते हैं कौन है क्या है। बारात के 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, ऐसी कुछ समस्या है। मतलब रात में जो बदमाश लोग आते हैं तो पैसा ले आते हैं, मारा पीट करते हैं और यही परेशानी है, क्योंकि भी तो आते हैं और न जाने शाम को भी आ जाए, 7 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, कोई पता नहीं है। कितनी संख्या में आते हैं बदमाश? ए 2 बजे 3 बजे। कितने बदमाश आते हैं लगभग? 4 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए। तो पुलिस पुलिस की क्या सुरक्षा है वहाँ? आप पुलिस को फोन लगाएंगे तो पुलिस आती है तो भाग जाते हैं, वो जंगल पास में ही है। देर लगती होगी पुलिस? हाँ, पुलिस क्यों, थोड़ा दूर है गांव उनका। देर लग जाती होगी पुलिस वाले में? पुलिस को करीबन आधा घंटा लगता था। दरअसल डकैत राम सहाय गुर्जर कुदिन्ना साहपुर राजस्थान का रहने वाला है। भवरपुरा में उसकी बुआ का घर है। डकैत जगन गुर्जर गैंग से दुश्मनी ठनने पर राम सहाय लंबे समय तक भवरपुरा में बुआ के घर यहाँ दुबका रहा, फिर यहाँ से नाबालिग को अगवा कर राजस्थान भाग गया था। इस वारदात में उसे दबोच लिया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद राम सहाय पुलिस के हाथ नहीं आया, गिरोह बनाकर जंगल में घुस गया। ऐसे में अब लगातार पुलिस डकैत राम सहाय के गिरोह के मूवमेंट का पता कर रही है और पुलिस की एक टीम घाटी गांव क्षेत्र के जंगलों में उतर गई है और लगातार डकैत को लेकर सर्चिंग कर रही है। पेपर में न्यूज आई है और वैसे तो हम लोग पिछले 2-3 महीने से दिखवा रहे हैं, लगातार सर्चिंग भी हो रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति तो यहीं का रहने वाला है। इसका मूवमेंट होता है राजस्थान और फिर मुरैना तरफ, धौलपुर तरफ आके फिर इधर कई बार उसके मूवमेंट की खबर आती है, तो हम लोग उस पर सर्चिंग करा रहे हैं, अगर कुछ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, बीच में कभी एक आध बार खबर आई तो हमने दिखवाया उसको, उस टाइम पे वो लोग वहाँ नहीं मिले, अभी भी सर्चिंग चल रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले श्योपुर से फिरौती के लिए अपहरण कर डकैत राम सहाय गैंग ने सिर उठाया था। इस वारदात के बाद चंबल रेंज आईजी ने राम सहाय पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा ग्वालियर और धौलपुर SSP ने भी उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिस पर कुल मिलाकर अब 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। डकैत राम सहाय के गैंग में उसके अलावा 4 मेंबर और हैं। गिरोह के पास 315 बोर की बंदूकें हैं। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है।